आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ सबनेटिंग के बारे में। तो अभी तक जो हम लोगों ने सबनेटिंग किया है वो किया है FLSM, मतलब फिक्स लेंथ सबनेट मास्क। FLSM का क्या मतलब है कि जो भी हम लोग सबनेटिंग करते आ रहे हैं अभी तक, और पिछली वीडियो में जो हम लोगों ने किया था कि एक नेटवर्क आईडी में हम लोग क्या करते थे, मल्टीपल सब नेटवर्क को क्रिएट करते थे और उनमें क्या करते थे, सबनेटिंग करते थे। मतलब कि अगर एक सब नेटवर्क में हमें वैलिड होस्ट नंबर कितने मिलते थे, सेम सेम ही मिलते थे। कहने का मतलब ये है कि अगर एक नेटवर्क आईडी है उसमें हम क्या करते थे, मल्टीपल सब नेटवर्क को क्रिएट करते थे और उसमें क्या करते थे कि हर एक नेटवर्क में वैलिड होस्ट कितने मिलेंगे वो कैलकुलेट करते थे। तो उसमें क्या देखते थे आप लोग कि हर नेटवर्क में सेम सेम होस्ट असाइन करने को मिलते थे। मतलब कि अगर एक सब नेटवर्क में अगर 60 होस्ट असाइन करने को मिल रहे हैं, तो लेट्स सपोज हमने एक नेटवर्क से अगर चार सब नेटवर्क क्रिएट किए हैं तो चारों में 60-60 होस्ट ही असाइन करने को मिलते थे। ठीक है, तो लेट्स सपोज अगर मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन में चार डिपार्टमेंट है और हमने चार सब नेटवर्क क्रिएट किया है, और चारों डिपार्टमेंट में ये तो कभी नहीं हो सकता कि 60-60 यूज़र ही काम करें। कुछ डिपार्टमेंट में कुछ यूज़र्स कम भी काम करते हैं, मतलब 20 भी, कहीं पे 20 की रिक्वायरमेंट होगी, कहीं पे 30 की रिक्वायरमेंट होगी, और किसी डिपार्टमेंट में 60 की भी होगी। तो जिस डिपार्टमेंट में 60 की है उसमें तो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जा रही है, उसमें तो हमारी आईपी वेस्टेज नहीं हो रही है। लेकिन जहाँ पे अगर हमें 20 होस्ट की रिक्वायरमेंट हो रही है वहाँ पे तो हमारे 30 या फिर 30 मतलब 30 या 40 आईपीज तो हमारे वेस्टेज ही हो रहे हैं ना। तो उसी चीज़ को कम करने के लिए हम VLSM का यूज़ करते हैं। अगर FLSM की बात करोगे आप तो FLSM थोड़ा VLSM से ईजी होता है, मतलब कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। VLSM थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है इसलिए हम उसको यूज़ नहीं करते। और इसमें जैसे मैंने बताया कि FLSM में क्या होता है कि आप एक नेटवर्क से मल्टीपल सब नेटवर्क क्रिएट करते हो और उनके फर्स्ट आईपी एड्रेस कैलकुलेट करते हो, लास्ट आईपी एड्रेस कैलकुलेट करते हो और ब्रॉडकास्ट आईडी कैलकुलेट करते हो, ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करते हो। अब बात करते हैं हमें VLSM की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो यार, VLSM की ज़रूरत हमें ना इसलिए पड़ी क्योंकि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि मल्टीपल डिपार्टमेंट है और हर एक डिपार्टमेंट में लिमिटेड नंबर ऑफ यूज़र काम कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि एक डिपार्टमेंट, एक कंपनी है जिसमें आप मान के चलो कि 6-7 डिपार्टमेंट हैं और हर एक डिपार्टमेंट में लिमिटेड यूज़र हैं। लिमिटेड यूज़र का क्या मतलब है कि एक डिपार्टमेंट में 6 यूज़र हैं, एक डिपार्टमेंट में लेट्स सपोज मान के चलो 20 यूज़र्स हैं, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनमें हम लिमिटेड नंबर ऑफ़ पीसीज को अटैच करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि आगे हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी या फिर हमें और इन्हेंस करना पड़ेगा नेटवर्क को। हम चाहते हैं कि हमारे लिए 20 इनफ है। तो हम FLSM का यूज़ करते थे तो उसमें हर एक सब नेटवर्क में क्या मिलता था, सेम होस्ट मिलता था, मतलब कि नंबर ऑफ़ वैलिड होस्ट सेम ही मिलते थे। तो वहाँ पे तो हमारी जो आईपीज है वो वेस्टेज है क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है डिपार्टमेंट वाइज होस्ट हमें कन्फिगर करना है। ठीक है, तो यहाँ हमें VLSM करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि नेटवर्क आईडी के प्रीफिक्स लेंथ को वेरी करके हम क्या करते हैं, अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क है, किसी भी आईपी एड्रेस का बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क लेते हैं, लेट्स सपोज अगर आप सी क्लास की बात करो तो सी क्लास का कितना होता है, /24 होता है। तो /24 को क्या करते हैं हम, उसके प्रीफिक्स लेंथ को, मतलब कि जो सबनेट मास्क स्लैश वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं उसको प्रीफिक्स लेंथ भी बोलते हैं और सी आई डी आर वैल्यू भी बोलते हैं। तो उस प्रीफिक्स लेंथ को क्या करते हैं हम, चेंज करके ना अपने होस्ट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक सबनेट में हम क्या करते हैं, मल्टीपल सबनेट मास्क क्रिएट करते हैं। ठीक है, मल्टीपल सबनेट मास्क क्रिएट करके अपने होस्ट की जो रिक्वायरमेंट है उसको भर लेते हैं, मतलब उसको पूरा कर लेते हैं। और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जैसे मैंने बताया कि ये VLSM थोड़ा FLSM से कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन फर्स्ट स्टेप में कॉम्प्लिकेटेड होता है, बाकी सारे स्टेप सेम है। जब मैं अभी आपको बताऊँगा तो आपको लगेगा कि हाँ ये भी तो बहुत इजी है, इसको मैं कर सकता हूँ। ठीक है, और इसमें VLSM में एक चीज़ और होती है कि मतलब आईपी की वेस्टेज कम होती है। FLSM में भी आईपी की वेस्टेज कम हो रही थी, उसमें अगर आप एक नॉर्मल सबनेटिंग करते थे तो आप क्या होता था, अगर बाय डिफॉल्ट क्लास का सबनेटिंग करते थे तो उसमें आप
नंबर ऑफ पीसीज आपको कितने मिलते थे, 20, अगर सी क्लास का है तो वहाँ पे 255 मिलते थे, लेकिन आप दो यूज़ नहीं कर पाते थे, एक तो नेटवर्क आईडी और एक ब्रॉडकास्ट आईडी, तो 223 होता था। लेकिन अगर आप सबनेटिंग कर लेते थे तो ले सपोज 60 मिल रहा है, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, 30 की है, तो आपकी 30 जो होस्ट हैं वो क्या है? वेस्टेज है ना, तो वहाँ पे भी आईपी की वेस्टेज होती है, लेकिन यहाँ पे बहुत कम होती है, वीएलएसएम में एकदम रिड्यूस कर देते हैं हम लोग, मतलब कि बहुत कम होती है। आप कुछ पिक्चर्स यहाँ पे लगे हुए देख लो आप, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है। वीएलएसएम को जब भी हम यूज करते हैं, ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम वीएलएसएम को यूज करते हैं। रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है हमारी, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमारे पास क्या है, तीन चार डिपार्टमेंट हैं। लेट्स सपोज ये नेटवर्क डिपार्टमेंट है, और ये क्या है, ये एचआर डिपार्टमेंट है, ये मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, और ये क्या है, सेल्स का डिपार्टमेंट है, और ये हमारे राउटर टू राउटर कनेक्ट करने के लिए दो होस्ट की ज़रूरत है। तो जो हमारा नेटवर्क डिपार्टमेंट है उसमें हमें नंबर ऑफ पीसीज या फिर नंबर ऑफ होस्ट की कितनी रिक्वायरमेंट है, 60। और हमारा जो एचआर वाला डिपार्टमेंट है उसमें नंबर ऑफ होस्ट की कितनी रिक्वायरमेंट है, 30। ठीक है, उसी तरह हमारे पास जो सेल्स के बंदे हैं, ठीक है, या फिर सेल्स का जो डिपार्टमेंट है उनमें हमें कितने होस्ट चाहिए, 12। यहाँ पे दो दो पीसी लगाया, लेट्स सपोज यहाँ पे चार, मुझे 12 की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे 12 यहाँ पे लिखा मैंने, यहाँ पे 30 की रिक्वायरमेंट है, तो 30 यहाँ पे हो सकते हैं, 60। उसी तरह यहाँ पे कितने, 10 की रिक्वायरमेंट है, और राउटर टू राउटर कनेक्ट करने के लिए हमें सिर्फ दो ही, मतलब दो आईपी की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे होस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ यहाँ पे आईपी समझ लो, मतलब कि यहाँ पे 30 आईपी की रिक्वायरमेंट है, यहाँ 16, यहाँ पे 12, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 2। ठीक है, तो अब हम इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वीएलएसएम सबनेटिंग करेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास एक आईपी एड्रेस है जो सी क्लास का है, ये कुछ मैंने डिपार्टमेंट में बनाया है, जैसे देख लो नेटवर्क डिपार्टमेंट में 60 होस्ट की रिक्वायरमेंट है, एचआर में क्या है, 30 होस्ट की रिक्वायरमेंट है, अकाउंट में 12 और सेल्स में 10, और राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी के लिए कितना, दो होस्ट की रिक्वायरमेंट है। उससे पहले, कैलकुलेट करने से पहले, आप ये इस टेबल को एक बार देख लो, ये टेबल आपको थोड़ा मदद करेगा वीएलएसएम की सबनेटिंग करने में। अगर स्लैश वैल्यू कितना है, 25 है, तो मास्क कितना निकल के आएगा, 128। अगर स्लैश वैल्यू 25 है तो सबनेट मास्क निकल के आएगा 28, और नंबर ऑफ सबनेट कितने बनेंगे, मतलब कि नंबर ऑफ सबनेट सब नेटवर्क कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, और हर एक सब नेटवर्क में नंबर ऑफ होस्ट असाइन करने को कितने मिलेंगे, 126, यानी 126। और ब्लॉक साइज कितना निकल के आएगा हमारा, 128। उसी तरह स्लैश वैल्यू 60, स्लैश वैल्यू 26 है, तो ये आप इस टेबल को एक बार देख लो, मैं इस पीपीटी को शेयर करूंगा, आप इजीली कर लेना। अब थोड़ा हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये जो हमने डिज़ाइन किया है नेटवर्क, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वीएलएसएम करेंगे, तो देखेंगे हम इसमें सबसे ज़्यादा होस्ट की रिक्वायरमेंट किस डिपार्टमेंट में है। तो सबसे ज़्यादा होस्ट की रिक्वायरमेंट हमें इसी डिपार्टमेंट में है, यानी हमें नेटवर्क डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम नेटवर्क डिपार्टमेंट को लेंगे, ठीक है, इसे हम कुछ फॉर्मूलेज वगैरह में पुट करेंगे। पहला जो फार्मूला है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, उसके बाद जो हम फार्मूलाज पुट करेंगे वो एकदम एफएलएसएम की तरह है, सेम है। ठीक है, पहले में थोड़ी दिक्कत होगी आपको, बाद में आप एज एज ईजीटी कर लोगे। एफएलएसएम अगर आपको आती है तो आप इसको भी कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे क्या, होस्ट। सबसे पहले हम होस्ट निकालेंगे, तो नंबर ऑफ होस्ट की रिक्वायरमेंट कितनी है हमारे पास, 16। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ होस्ट की रिक्वायरमेंट कितनी है, 60, जो सबसे ज़्यादा है। अब हम क्या करेंगे, इसको कुछ फॉर्मूले में पुट करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है 2n-2 > 60, मतलब कि रिक्वायरमेंट ऑफ द होस्ट, यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ होस्ट कर सकते हो, या फिर 60, यहाँ पे 60 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, अभी होगा 30। मतलब कि ये फॉर्मूला है कि 2 पे ऐसी कोई वैल्यू पुट करो जिसे 2 से माइनस करने पे 60 से क्या हो, ज़्यादा हो जाए लेकिन कम ना हो। तो हम वैल्यू पुट करें यहाँ पे, लेट्स सपोज अगर हम 2 पे पावर 1 पुट करते हैं, तो अगर 2 से माइनस कर दें तो वैल्यू कितनी आएगी, 2 0 आएगी। अगर 2 पे पावर 2 - 2 कर दें तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 2 निकल के आएगी। अगर 2 पे पावर 3 - 2 कर दें तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 6 निकल के आएगी। अगर 2 पे पावर 4 करते हैं, -2 करते हैं, तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 14 निकल के आएगी। ठीक है,
अगर 2 पे पावर 5 माइनस 2 करते हो तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 30। ये भी कम है, यहाँ तक तो कम है, यहाँ तक तो हम ले ही नहीं सकते। अब हम क्या करते हैं, 2 पे पावर 6 माइनस 2 करते हैं तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 62। यानी ये क्या है, ज़्यादा है। तो हमने यही डिस्कस किया है फॉर्मूले के हिसाब से। तो 2 पे पावर जो 6 रख रहे हैं वो क्या है, एन की वैल्यू है। हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी थी यहाँ पे ना, तो एन की वैल्यू यहाँ पे फॉर्मूले में देखो क्या लिख रहा है कि नाउ फर्स्ट कैलकुलेट द सम नेट होस्ट एज पर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हम एज रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या करेंगे, होस्ट को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, नंबर ऑफ होस्ट इक्वल टू कितना होता है, 2 पे पावर n माइनस 2, वेयर एन इज रिप्रेजेंट अ बोरो बिट। FLSM में क्या करते थे कि जब भी हम किसी होस्ट आईडी पोर्शन से जब भी कोई बिट बोरो करते थे तो वो एन की वैल्यू रिप्रेजेंट करता था, ठीक है। लेकिन VLSM में थोड़ा उल्टा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो एन की वैल्यू है ना वो होस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब कि जो होस्ट आईडी पोर्शन है ना, जो एन की वैल्यू निकल के आएगी, होस्ट आईडी पोर्शन को ऑफ कर देंगे, उतने बिट होस्ट आईडी पोर्शन से हम क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे। वहां पे क्या करते थे, ऑन करते थे ना, यहाँ पे ऑफ करते कर देते हैं, बस यही समझना आपको, उसके बाद तो बाकी हो ही जाएगा। इतना समझ लो आप कि एन की वैल्यू जो है वहां पे हम क्या करते थे, होस्ट आईडी पोर्शन से ऑन करते थे। VLSM में क्या करेंगे, हम होस्ट आईडी पोर्शन को ऑफ करेंगे। तो एन की वैल्यू कितनी है, 6 है। यहाँ पे लिखा मैंने द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड जीरोज, जीरोज वैल्यू कितनी है, 6। अब देखो, अब ये हमारा क्या है, बाय डिफॉल्ट सबनेट है। मतलब इसी अगर इसी नेटवर्क को हम क्या करेंगे, VLSM बनाएंगे, मतलब VLSM में यूज करेंगे। और इस बाय डिफॉल्ट CIDR वैल्यू को वेरिएबल करके, मतलब चेंज करके हम क्या करेंगे, अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। तो ये बाय डिफॉल्ट सी क्लास का एड्रेस है, इसकी स्लैश वैल्यू 24 है। इसका बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क भी यही निकलेगा, अगर आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो यही निकलेगा। अब हम क्या करते हैं, अब इसे नंबर ऑफ एन, जो नंबर ऑफ एन की वैल्यू आई है वो पुट करते हैं इस बाइनरी डिजिट में। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि स्लैश 24 है, बाय डिफॉल्ट सी क्लास का स्लैश 24 है। तो स्लैश 24 तक तो हम कोई इसमें कोई टच ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये हो नेटवर्क आईडी पोर्शन है, इसमें तो हम चेंज करते नहीं है। हम चेंज करेंगे होस्ट आईडी पोर्शन में। तो जो होस्ट आईडी पोर्शन में मैंने बताया, यहाँ पे थोड़ा उल्टा होता है, वहाँ पे हम FLSM में क्या करते थे, होस्ट आईडी पोर्शन से बिट्स को ऑन करते थे ना, यहाँ पे बिट्स को ऑफ करेंगे। तो 6 आया ना, तो 6 बिट ऑफ कर दो, मतलब कि लेफ्ट साइड से उठाओगे और 6 बिट क्या करोगे, ऑफ कर दोगे। वहाँ से राइट साइड से उठाते थे, यहाँ पे लेफ्ट से उठाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 6 बिट क्या कर दिया हमने, ऑफ कर दिया ना हमने, यहाँ पे क्या कर दिया, 6 बिट ऑफ कर दी। तो ठीक है, एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 6 है। अब हम इसे क्या करेंगे, अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे सबनेट मार्क्स। तो सबनेट मास्क कैलकुलेट करने से पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा CIDR वैल्यू। इसकी CIDR वैल्यू क्या होगी, यहाँ तक तो 24 है और ये 2 कितना हुआ, 26। मतलब कि जो हमने जो बिट हमने छोड़ दिया है, मतलब नेटवर्क आईडी पोर्शन से जहाँ तक हमने होस्ट को क्या किया है, ऑफ किया है, वहाँ की वैल्यू काउंट कर लेंगे। तो यहाँ तक तो होगी 24 और ये जो 2 बचा कितना होगा, 26। यानी इसका जो CIDR वैल्यू कितना निकल के आ गया, 26। ठीक है, पहले कितनी थी, 24, अब चेंज हो गई ना, 26 हो गई। तो इसका सबनेट मास्क क्या निकलेगा, हम क्या करते थे, तो इस जो वैल्यू है, ये दो वैल्यू को अगर आप ऐड करोगे तो कितना होगा, लेट्स सपोज ये 28 और 64 को ऐड करोगे तो कितना होगा, 192 ही होगा ना। आप यही करते थे ना FLSM में, क्या करते थे, जो नेटवर्क बिट होते थे, मतलब जो होस्ट आईडी पोर्शन से जो बिट बोरो किए होते थे आप, वो क्या करते थे, आप उनको ऐड कर लेते थे, सबनेट मास्क निकल के आ जाता था। यहाँ पे भी देख लो, मैंने जो टेबल बनाया, स्लैश 26 का जो सबनेट मास्क कितना है, 92 ही है ना। तो लेट्स सपोज यहाँ भी वही है, तो 92 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक जो भी हमने अभी किया वो पार्ट है VLSM का, ठीक है। इसके बाद हम फिर से वही करेंगे, पुराना वाला FLSM, और हमारी सबनेटिंग हो जाएगी, हमारा जो जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमें मिल जाएगी। अब हम कैलकुलेट करेंगे एन की वैल्यू। तो एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है ना, मतलब नंबर अब कितना है, ये जो ऑन बीट है कितना है, 2 ही है ना, बाकी तो ऑफ बीट 6 है। तो 2 बीट जो ऑन है उसको वैल्यू में पुट करेंगे तो 2 पे पावर 2 करेंगे तो 4 आ गया। यानी आपको ये आइडिया लग गया कि यहाँ पे कितना नंबर ऑफ नेटवर्क कितने मिलेंगे आपको, इस नेटवर्क में नंबर ऑफ सब नेटवर्क 4 मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हो ना आप, नंबर ऑफ सब नेटवर्क कैलकुलेट करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे, 2 पे पावर एन करते थे।
तो 2 पे पावर n करोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपको बताएगा कि हम इस एक सिंगल नेटवर्क में कितने सब नेटवर्क यूज कर सकते हैं, तो 4 कर सकते हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे क्या वैलिड होस्ट, कि हर एक नेटवर्क में हम कितना वैलिड होस्ट असाइन करने को मिलेगा, तो फॉर्मूला क्या होता है 2 पे पावर h माइनस 2। तो कैलकुलेट होस्ट ऑफ द ईच नेटवर्क 2 पे पावर h माइनस 2, तो होस्ट कितना है यहाँ पे, होस्ट बिट कितना है 6 है ना, जो होस्ट बिट ऑफ किया है मैंने वो कितना है 6 है, तो 2 पे पावर 6 माइनस 2 करोगे कितना होगा 62। यानी हर एक इसमें 4 सब नेटवर्क क्रिएट हो रहे हैं ना, तो 4 सब नेटवर्क में हमें 62 होस्ट असाइन करने को मिलेंगे। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि हमारा जो रिक्वायरमेंट वो धीरे धीरे फुल हो रहा है। हमारा रिक्वायरमेंट क्या था 60 होस्ट का, और यहाँ पे कितने मिल रहे हैं 62, यानी 2 ही आईपी वेस्टेज हो रही है सिर्फ, बाकी तो 60 हमें मिल ही जा रहा है ना। अब हम कैलकुलेट करेंगे ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज कैलकुलेट करने के लिए हमने 2 तरीके बताए थे आपको। एक तो ये जो बिट ऑन हो रहा है, वो जो जहाँ से बिट राइट साइड से जहाँ से बिट मतलब एंड हो रहा है ऑन का, वो वैल्यू काउंट कर लो, यानी 64। तो यहाँ की वैल्यू क्या है 64 आ गई। या फिर आप क्या करो, जो नेटवर्क आईडी से आपने सबनेट मार्क कैलकुलेट किया है उसको मैजिक नंबर से आप क्या कर दो, माइनस कर दो। और मैजिक नंबर क्या होता है 256 से आप क्या करोगे, इस सबनेट मार्क को माइनस कर दोगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी आपकी ब्लॉक साइज। और ब्लॉक साइज का यूज कहाँ करते हैं हम, सब नेटवर्क में क्या करते हैं, ऐड करते चले जाते हैं, तो क्या हमारा बन जाता है सब नेटवर्क क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। लेट्स सपोज ये है कि हमारा क्या होगा, पहला नेटवर्क आईडी यही होगा, फिर दूसरा क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे 64 ऐड कर देंगे, तो क्या होगा दूसरा सब नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा। अगर इसमें हम क्या कर देंगे 64 ऐड कर देंगे, फिर तीसरा सब नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा, फिर इसमें भी हम क्या करेंगे 64 ऐड कर देंगे। तो हमने यही डिस्कस किया था कि हमें इस नेटवर्क में कितने सब नेटवर्क मिलेंगे, 4 मिलेंगे, तो 4 मिल गया हमें। आप क्या कर सकते हो, आप इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो, आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो, सब में सेम ही वैलिड होस्ट मिलेंगे, यानी 62 सब में मिलेंगे आपको, कोई भी यूज कर लो। लेट्स सपोज मैंने पहला वाला ही यूज कर लिया यहाँ पे, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहला वाला यूज कर रहा हूँ, तो इसमें फर्स्ट आईपी एड्रेस क्या बनेगा आप बताना जरा, तो फर्स्ट आईपी एड्रेस यही बनेगा ना, क्योंकि हम इसको तो यूज करते नहीं है, क्योंकि ये क्या है नेटवर्क आईडी पोजीशन है, मतलब पूरा का पूरा क्या है ये सब नेटवर्क आईडी है, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि चेंजिंग तो यहाँ हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्या है सी क्लास का एड्रेस है, तो शुरू के जो 24 बिट्स होते हैं वो क्या होते हैं ऑन होते हैं, नेटवर्क आईडी पोजीशन के लिए होते हैं, उससे हम टच नहीं कर सकते। होस्ट आईडी पोजीशन में चेंज करते हैं तो होस्ट आईडी पोजीशन का एक बिट ऑन कर दें, तो क्या हुआ 192.168.10.1, ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट आईपी एड्रेस हो गया इस नेटवर्क का। अब क्या करेंगे सेकंड कैलकुलेट करेंगे, तो सेकंड क्या होगा 192.168.10.2, और ये जाएगा कहां तक, ये जाएगा कहां तक 63 तक। क्यों 63 तक जाएगा, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट सबनेट कितना स्टार्ट हो रहा है 64 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये जाएगा कहां तक, सॉरी कहां गया, ये जाएगा 63 तक। लेकिन हम इस 63 को यूज नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस होता है, इस नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस है ये, हम यूज कहां तक कर पाएंगे 62 तक, यानी 192.168.10.62, 1 से लेके 62 तक किया हमने, यही तो डिस्कस किया था कि हमें 60 होस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो 60 होस्ट हमें मिल गए, यानी कि 2 होस्ट खाली एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी 2 आईपी यहां वेस्टेज हो रही है, तो कोई बात नहीं आईपी की वेस्टेज कम हो रही ना यहां पे। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे सेकेंड रिक्वायरमेंट को देखेंगे कि हमारी जो अगली रिक्वायरमेंट है वो क्या है। अब हमारी अगली रिक्वायरमेंट क्या है, अगली रिक्वायरमेंट हमारी है 30 होस्ट की, हमारी ये तो फुलफिल हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं, अभी 60 होस्ट असाइन कर सकते हैं हर एक नेट इस नेटवर्क में, जितने भी हमारे 60 पीसी होंगे या उनमें हम असाइन कर देंगे, सिर्फ 2 होस्ट हमारे पास एक्स्ट्रा हैं, जो इन फ्यूचर अगर हमारे पास कोई पीसीज आती है, कोई होस्ट आता है, तो हम उसे ऐड कर लेंगे। अब हमारे पास है 30 होस्ट की रिक्वायरमेंट, यानी 30 आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट, तो अब हम फिर से क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे इसमें, फिर से हम क्या कैलकुलेट करेंगे होस्ट कैलकुलेट करेंगे एज पर रिक्वायरमेंट। तो ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है ना 2 पे पावर n माइनस 2,
और ऐसी वैल्यू पुट करो, मतलब टू पे ऐसी कोई वैल्यू पुट करो जो टू से माइनस करने पे क्या हो जाए, 30 से ज़्यादा हो जाए लेकिन कम ना हो। तो आप क्या करोगे, ये 60 को भूल जाओ, अब क्या करोगे, टू पे पावर वन माइनस टू करोगे जीरो, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और टू पे पावर फोर माइनस टू करोगे तो 40 आएगा, ये भी कम है। अब क्या करोगे, टू पे पावर फाइव माइनस टू करोगे तो 30 निकल के आ जाएगा। यहाँ तक आ गया ना, मतलब कि हमें कितना एन की वैल्यू कितना फाइंड हो गया, हमें हमें एन की वैल्यू तो फाइंड करनी थी, एन की वैल्यू यहाँ पे फाइंड होगी 5। अब क्या करेंगे, एन की वैल्यू जो 5 फाइंड हो गई है, तो अब हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, सेम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे मैंने कैलकुलेट किया था। अब क्या करेंगे, अब इसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, उस नेटवर्क को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, और हम क्या करेंगे, 5 होस्ट ऑफ कर देंगे, मतलब होस्ट आईडी पोर्शन से क्या करेंगे, 5 होस्ट ऑफ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 5 होस्ट ऑफ कर लिया है, क्योंकि यही होता है 255.255.255, और ये लास्ट में जो हमारा जीरो था। तो ये क्या होगा, ये हमारा बाई डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता था ना सी क्लास का। तो अब हम इसे क्या करेंगे, बाइनरी डिजिट में चेंज करके अपने एन की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। तो एन नंबर ऑफ एन इक्वल्स टू क्या होता है, जो होस्ट आईडी पोर्शन से उसको बिट ऑफ कर दिए होते हैं। तो बिट ऑफ करोगे आप, 5 बिट ऑफ कर दिए ना यहाँ पे, तो रिमेनिंग कितने बचे हैं, 3 बिट्स। तो इसका सबनेट मास्क कितना निकल के आएगा, यहाँ तक कितना होता है, 24, 25, 26, 27, तो 27 निकल के आ गया। अब इन तीन वैल्यू का क्या कर लो, आप जो डेसिमल वैल्यू उन्हें ऐड कर लो, तो 128, 64 और 32 ऐड करोगे तो 224 ही आएगी। तो इसका सबनेट मास कितना निकल गया, 255.255.255.224/27। अब यहाँ तक ठीक है, अब फिर हम कैलकुलेट करेंगे, अब फिर हम FLSM वाला रूल यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, और फिर से हम क्या करेंगे, अपने अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, 3 है ना, तो 2 पे 3 करोगे तो 8 होगा। यानी आपको ये पता चल गया कि नंबर ऑफ सबनेट कितने निकलेंगे, इस स्लैश 27 में सबनेट कितने, नंबर ऑफ सबनेट सब नेटवर्क कितने निकलेंगे, 8, ठीक है। और अब इन सब नेटवर्क में नंबर ऑफ वैलिड होस्ट कितने मिलेंगे, तो इसका ये फॉर्मूला होता है, 2 पे पावर h-2, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ होस्ट कितना है, 5 है ना, तो 2 पे पावर 5-2 करोगे 30। यानी इस 8 सब नेटवर्क में, हर एक सब नेटवर्क में आपको 30-30 होस्ट असाइन करने को मिलेंगे। तो यही तो हमारी रिक्वायरमेंट थी, कि मतलब हमें 30 होस्ट की रिक्वायरमेंट थी, हमें 30 होस्ट मिल रहे हैं यहाँ पे। क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, स्लैश वैल्यू चेंज कर रहे हैं। आप देख रहे हो ना, वहाँ पे स्लैश वैल्यू क्या क्या था, 26 था, तभी हमको 60 होस्ट मिल रहे थे, यहाँ पे स्लैश वैल्यू कितना है, 27 है। तो यही तो मैंने बताया था कि जो VLSM होता है वो स्लैश स्लैश वैल्यू को वेरिएबल करके, यानी चेंज करके अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो ना आप, स्लैश वैल्यू हमेशा चेंज हो रहा है, तभी तो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। तो स्लैश वैल्यू 27 पे आ गया, कितना होस्ट हमें मिलेगा, 30 होस्ट। आप टेबल में देखो, इस टेबल की मैंने बताया था ना कि ज़रूरत पड़ेगी आपको, स्लैश 27 पे सबनेट मास्क की थी, यही तो डिस्कस हुआ था, 224, और कितना सब नेटवर्क कितने बनेंगे, 8, होस्ट कितने मिलेंगे, 30, और ब्लॉक साइज कितने का निकलेगा, 32 का। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, ब्लॉक साइज, जो हमारा सब नेटवर्क आया उसमें से क्या कर दो, 256 को माइनस कर दो, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या है, हमारा ब्लॉक साइज। अब हम क्या करेंगे, इन आईपी एड्रेस में 32 प्लस करते चले जाएंगे, 32 प्लस करोगे कहाँ तक, 8, 8 ही बनेंगे, आप चाहे जितना कर लो, 8 ही बनेंगे, क्योंकि हमने तो पहले से कैलकुलेट कर लिया है नंबर ऑफ सब नेटवर्क, तो हमने पहले कैलकुलेट कर लिया है, 2 पे पावर n रख के, 2 पे पावर 3 रख के हमने जो नंबर ऑफ सब नेटवर्क है वो कैलकुलेट कर लिया है, 8 ही आएगा। तो हमने कैलकुलेट किया, देखो 192.168.10.0, ये पहला ही निकलेगा, स्लैश 27, ठीक है, ये सब पे स्लैश 27 लगेगा। वहाँ पे कितना क्या लग रहा था, यहाँ पे क्या लगेगा, स्लैश 26 लगेगा सब में, यहाँ पे क्या लग रहा है, स्लैश 27 लग रहा है, ठीक है। तो ये है 8, कोई भी यूज कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, कुछ भी कर लो, मतलब इन 8 में से कोई भी यूज कर लो, आपको वैलिड होस्ट कितने मिलेंगे, 30 मिलेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है ना, कोई भी आप एक कैलकुलेट कर लेना इसमें से, सेम ऐसे ही है, सेम जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया ना, ऐसे ही यहाँ पे भी होगा। तो कोई भी आप ले लो, कोई भी उठा लो, बताने की ज़रूरत है या फिर आप समझ जाओगे, ये उठा लो, कोई भी ले लो। हेलो,
आप क्योंकि आप देख रहे हो ना डिफरेंसियस कितना है यहाँ से 192.168.10.0। अगर यहाँ से आप स्टार्ट करोगे तो ये तो आप यूज़ नहीं करोगे, वन से वन वाले यूज़ करोगे तो फर्स्ट आईपी एड्रेस वन हो जाएगी। और जाओगे कहाँ तक, नेक्स्ट हमारा सबनेट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 32 तक, 32 तक ना, तो 31 क्या है हमारा ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस है, तो लास्ट आईपी एड्रेस कहाँ तक यूज़ कर सकते हो आप, 30 तक, यानी 1 से लेके 30 तक। ठीक है, इसमें भी ऐसा ही होगा, जो फर्स्ट आईपी एड्रेस होगी वो क्या होगी, 33 होगी, और जाएगा कहाँ तक, जाएगा आपका 63 तक जाएगा, और 63 क्या है आपका ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस है इस नेटवर्क का, और जो लास्ट आईपी एड्रेस क्या होगा, 62 होगा। ठीक है, एक बता दीजिए, एक चलो कोई नहीं, एक बता देता हूँ, देखो कोई भी ले लो आप, कोई भी यूज कर लो, 192.168.10.0 यूज कर लूँ या फिर क्या यूज करूँ बताओ, 32 वाला कर लूँ, चलो 32 वाला कर लिया, स्लैश कितना है, स्लैश वैल्यू 27 है। ठीक है, इसका सबनेट मास्क क्या निकलेगा, 255.255.255. कितना निकलेगा, 224 निकलेगा, ये निकलेगा। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब इसे क्या करना है, एन की वैल्यू फाइंड कर लिया था हमने ना, एन नंबर ऑफ एन जो क्या करता था, नंबर ऑफ एन की वैल्यू क्या थी, 5 थी ना, हमने कैलकुलेट किया था, क्योंकि अगर आप वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे 2 पे पावर, अगर वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा, 2 पे पावर n करोगे तो क्या होगा, 2 पे पावर n-2, और ग्रेटर देन कितना कर लो, ग्रेटर देन कितना आना चाहिए, 30, यही होस्ट की रिक्वायरमेंट थी हमारी। अब वैल्यू पुट कर लो, इसमें क्या करोगे, 1 पुट करोगे तो क्या होगा, 0 होगा, 2 पे पावर 1 करोगे, -2 करोगे तो कितना होगा, 0 होगा, नहीं होगा। अगर उसी तरह 2 वैल्यू पुट करोगे और -2 करोगे तो 2 होगा, ये भी नहीं सही है। यानी करते चले जाओगे, 5 जब आएगा आप 2 पे पावर 5 करोगे और -2 करोगे तो देखोगे 30 आ जाएगी, तो n की वैल्यू 30 आ गई ना, तो अब क्या करोगे, इसे बाइनरी में कन्वर्ट करोगे ना, तो बाइनरी में ऐसे ही होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8, 2 4 6 8, और नंबर अब कितना है हमें, 5 है ना, तो हमें 5-bit होस्ट आईडी पोर्शन से ऑफ कर देनी है, ये मैंने ऑफ कर दिया। ठीक है, ये मैंने ऑफ कर दिया, तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, सबनेट मास्क तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया है, सेम कैलकुलेट होगा, क्यों होगा सर, 27 क्यों आया, ये तो आपको पता ही है ना, यहाँ तक कितना है, 24 है, 26, 25, 26, 27, तो ये स्लैश 27 आ गया, और ये 224 कहाँ से आया ये तो आपको पता है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको पता ही है ना, यहाँ से जब स्टार्ट करोगे तो ये क्या होता है, 1 2 4 8 16 32 64 1 2 8, तो 1 2 8 64 और 32 करोगे तो 224 होगा। ठीक है, तो सब नेट मास्क निकल के आ गया, अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है कि इस स्लैश वैल्यूज 27 वाले नेटवर्क में कितने सब नेटवर्क क्रिएट होंगे, तो कैसे करते हो, नंबर ऑफ सब, तो हमें क्या फाइंड करना है, आप नंबर ऑफ सब नेटवर्क फाइंड करना है इसमें, तो फॉर्मूला क्या होता था, 2 पे पावर n, जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी, तो 2 पे पावर वैल्यू जो है कितनी है, 2 3, क्यों 3 है, ये 3 देख रहे हो ना आप, ये वैल्यू है 3, 2 पे पावर कितना है 3, ये वाली वैल्यू, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, तो नंबर ऑफ सब नेटवर्क कितने निकले, 8। यह डिस्कस किया था हमने कि इस नेटवर्क आईडी में नंबर आप जो सब नेटवर्क निकलेंगे वो 8 ही निकलेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है वो, यही निकला है, 8 सब नेटवर्क निकला है,
अब ब्लॉक साइज, अब क्या निकालना है आपको कि एक नेटवर्क में कितने वैलिड होस्ट असाइन करने को मिलेंगे आपको। तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ वैलिड होस्ट ईच सबनेट पर सबनेट सब नेटवर्क कॉस्ट टू कितना होता है, 2 पे पावर एच माइनस 2, जो वैल्यू निकल के आएगी वही होगी। तो यहाँ पे क्या वैल्यू है, पुट करो यहाँ पे 2 पे पावर 5 है ना माइनस 2, तो नंबर ऑफ होस्ट कितने मिलेंगे हमें, 30। ये हमारा हाउस निकल गया। अब ये तो हमें पता चल गया कि हर एक सबनेट में 8 सब नेटवर्क बनेंगे और हर एक 8ों में क्या मिलेगा हमें, यही मिलेगा 30-30 मिलेगा हमें होस्ट। तो हम इन 8ों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी, क्योंकि हमने यही डिस्कस किया था यहाँ पे कि हमें 8 ही चाहिए ना, हमें इस डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ पीसीज चाहिए, 30 चाहिए ना। तो हमें 30 मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम इनमें से कोई भी यूज़ कर लेंगे, इनमें से हम कोई भी यूज़ कर लेंगे। लेट्स सपोज पहला ही कर लिए, तो यहाँ पे जैसे मैंने बता रहा हूँ आपको, अब इसमें से क्या निकलेगा, अब मैं निकालो पहला आईपी एड्रेस क्या निकलेगा, 192.168.10.0, यही ले लिया। स्लैश कितना ले लिया, 27 पे। तो बाई डिफॉल्ट जो सबनेट मास्क होगा इस क्लास का कितना होगा, 255.255.55.224, यही होगा, क्योंकि स्लैश 27 है तो ये सबनेट मास्क यही निकलेगा। अब पहली आईपी एड्रेस क्या होगी इस नेटवर्क की, फर्स्ट आईपी एड्रेस यही होगी, क्योंकि नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट मैं लिख देता हूँ नहीं तो आप कन्फ्यूज होगे, नेक्स्ट कहाँ से शुरू होगा, 192.168. कितना से 10 डॉट, ब्लॉक साइज कितना निकल के आया था, 32 ना, 32 होगा यहाँ पे। ब्लॉक साइज निकालने आता है ना, 256 से सबनेट मास्क को माइनस कर दो, सबनेट मास्क कितना निकल के आया है, 224 निकल के आया है ना, तो सबनेट मास्क में क्या कर दो, माइनस कर दो, 256 माइनस कितना, 224 इक्वल टू कितना आएगा, 32। ये हमारा क्या होगा, ब्लॉक साइज 32 हो जाएगा। तो हर एक सब नेटवर्क में क्या करेंगे, 32 ऐड करते चले जाएंगे, 8 सब नेटवर्क क्रिएट होंगे। तो हम ये यूज़ कर रहे हैं, तो नेक्स्ट हमारा ये वाला है, तो हम इसको, इस चीज़ को ध्यान में रखना, डॉट 10 डॉट, क्योंकि ये जो क्या है हमारा नेटवर्क है, नेटवर्क आईडी है, तो इसमें चेंजिंग होगी नहीं, यहाँ तक तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, चेंजिंग कहाँ होगी, होस्ट आईडी पोर्शन में, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, होस्ट आईपी एड्रेस हो जाएगा इस नेटवर्क का, फर्स्ट आईपी एड्रेस हो जाएगा ना। अब क्या होगा, इसी तरह यहाँ पे क्या कर लो, डॉट 2 कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा हमारा, उसी तरह डॉट 3 कर लो, ये थर्ड हो जाएगा, और ये जाएगा कहाँ तक, यहाँ तक जाएगा, 192.168.10. कहाँ तक जाएगा, 30। ये हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट आईपी एड्रेस, एड्रेस, ठीक है। इसके बाद भी कुछ जाएगा, इसके बाद एक और आएगा ब्रॉडकास्ट, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी कितनी है, 12 होस्ट की है, मतलब 12 आईपी चाहिए हमें इस डिपार्टमेंट के लिए। तो फिर से वही फॉर्मूला अपनाएंगे, सबसे पहले एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करोगे, इस फॉर्मूले में पुट करोगे आप एन की वैल्यू, एन पे 2 करोगे माइनस 2 करोगे, एन की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो क्या होगा, 0 होगा, एन की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 होगा, एन की वैल्यू 3 रखोगे तो 6 होगा, एन की वैल्यू 4 रखोगे तो 14। यहाँ पे मैच हो रहा है ना, यहाँ तक तो कम है, यहाँ तक तो हम ले ही नहीं सकते, यहाँ पे मैच हो रहा है, तो हम एन, तो एन की वैल्यू 4 निकल के आगे। अब क्या करोगे, अब नंबर ऑफ होस्ट क्या करोगे, ऑफ कर लोगे, जो एन की वैल्यू निकल के आएगी 4, वो क्या कर दो, होस्ट आईडी पोजीशन से क्या कर दोगे, होस्ट को ऑफ कर दोगे, 4 होस्ट को ऑफ करोगे, तो कैसे होगा, ऐसे ही होगा कुछ। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी 12 थी, तो हम क्या करेंगे,
बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ तक तो सेम होगा, फिर जो होस्ट आईडी पोर्शन होगा उसमें से क्या कर देंगे, बिट को ऑफ कर देंगे। यही पे समझना है थोड़ा सा आप लोगों को। VLSM में हम लोग FLSM में क्या करते थे, बिट को ऑन करते थे ना नेटवर्क होस्ट आईडी पोर्शन से। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिट्स को ऑफ करेंगे सबसे पहले, यही ध्यान में देना है। और ये आपको पता चल गया तो फिर सब कुछ तो सेम ही है, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। तो यहाँ पे हमने 4 बिट क्या कर दी, होस्ट आई डी पोर्शन से ऑफ कर दी, बाकी रिमेनिंग कितने बचे, 4 बिट अभी ऑन है। तो अब इसकी जो सबनेट मार्क्स बनेगा वो कितना बनेगा, स्लैश वैल्यू कितना होगा, 24 है तो 25, 26, 27, 28, स्लैश 28 बन गया। अब इसका सबनेट मार्क्स क्या बनेगा, 255, 255, 255 डॉट 128, 64, 32, 16, कितना हुआ 240, यानी 255 डॉट 255 डॉट 255 डॉट 240 स्लैश 28। ये हमारा क्या बन गया, एक सबनेट मार्क्स बन गया। आप देख रहे हो ना डिफरेंट डिफरेंट सबनेट मार्क्स बन रहे हैं यहाँ पे। CIDR वैल्यू हमेशा चेंज हो रही है, जब भी हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी VLSM की सबनेटिंग कर रहे हैं यहाँ पे स्लैश वैल्यू हमेशा चेंज हो रही है। वहाँ पे सबसे पहले अगर हम 60 होस्ट की रिक्वायरमेंट तो स्लैश वैल्यू 26, 30 की रिक्वायरमेंट तो स्लैश वैल्यू 27, और अभी हमें कितने रिक्वायरमेंट है 12 की, तो स्लैश वैल्यू कितनी हो रही है 28। तो हम क्या कर रहे हैं, स्लैश वैल्यू को वेरी करके क्या कर रहे हैं, अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं ना। और यही चीज़ FLSM में नहीं होती थी, ठीक है। अब क्या कैलकुलेट करेंगे, हम एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, कि नंबर ऑफ सब नेटवर्क कितने निकलेंगे, नंबर ऑफ सब नेटवर्क कितने निकलेंगे, 4। क्यों निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 बिट क्या है, ऑन है, तो 2 पे पावर 4 करोगे तो 16 है। यानी आपको ये पता चल गया कि इस वाले नेटवर्क में हमें 16 नंबर ऑफ सब नेटवर्क मिलेंगे। अब हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ होस्ट कितने मिलेंगे हर एक नेटवर्क में यूज करने के लिए हमें, तो 2 पे पावर h माइनस 2, तो कितना है होस्ट, कितना है हमारा 4 है ना, तो 2 पे पावर 4 माइनस 2 करोगे तो 14, मतलब 14 होस्ट मिलेंगे हर एक नेट सब नेटवर्क में। मतलब ये 16 बन रहे हैं यहाँ पे ना, तो हर एक में हमें कितने मिलेंगे, 14 होस्ट असाइन करने को मिलेंगे, 16 है। यानी ब्लॉक साइज भी निकालना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि इसमें ब्लॉक साइज ऐड हो रहे हैं। तो कैसे निकालते हैं ये तो बताया ना, कि जो सबनेट मार्क्स आएगा उसमें क्या करोगे, मैजिक नंबर से या तो माइनस कर दो या फिर ये वाली बिट काउंट कर लो, इसकी बिट की वैल्यू कितनी है 16 है तो 16 आ जाएगी, या फिर 256 से इस सबनेट मार्क्स को माइनस कर लो तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी, आपकी ब्लॉक साइज। अब इस नेटवर्क में क्या करो, ब्लॉक साइज प्लस करते चले जाओ, प्लस करते चले जाओ, कितना हो प्लस कर लो, बनेगी कितनी 16 ही बनेगी, उससे ज़्यादा नहीं बन सकती। तो अब इसमें से कोई भी ले लो, कोई भी आईपी एड्रेस ले लो, यही ले लो, तो इसका जो फर्स्ट आईपी एड्रेस होगा इस नेटवर्क का वो क्या होगा, 192.168.10.1 होगा। और ये कहाँ तक जाएगा, 14 तक जाएगा, जाएगा तो 15 तक, लेकिन यूज कहाँ तक करेंगे हम लोग, 14 तक, क्योंकि 15 का क्या है हमारा ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस है ना इस नेटवर्क का, क्योंकि 16 हमारा जो नेक्स्ट सब नेटवर्क स्टार्ट हो रहा है वो 16 से हो रहा है, तो हम 50 तक यूज करेंगे, तो 15 हमारा क्या है ब्रॉडकास्ट है, तो 1 से लेके 14 तक यूज कर पा रहे हैं। तो यही तो डिस्कस किया था हमने कि 14 मिलेंगे हमको, तो 14 मिल रहे हैं। तो यहाँ पे दो ही आईपी वेस्टेज हो रहे हैं ना, हमारी जो अगली रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो गई ये वाली। अब हमें क्या है 10 होस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो 10 होस्ट भी इसी में मैच हो जाएगा, 10 होस्ट भी इसी में मैच हो गया, सिर्फ 4 आईपी वेस्टेज होंगी, ठीक है। 10 होस्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो देख लो, वैल्यू पुट करके अप्रॉक्सीमेटली इसी में मैच होगी, ये देख लो वैल्यू 2 पे ऐसी कोई वैल्यू पुट करो जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको, उससे क्या हो ज़्यादा हो जाए कम ना हो। तो 2 पे पावर 1 करोगे तो 0 आएगी, 2 पे पावर 2 करोगे माइनस 2 करोगे तो 2 आएगा, 2 पे पावर 3 माइनस 2 करोगे तो 6 आएगा। इसमें ही तो मैच हो रही है, 12 वाली भी इसमें मैच हो रही थी और 10 वाली भी इसमें मैच हो रही थी। तो इस नेटवर्क का अगर आप लेस सपोज 12 होस्ट के लिए ये वाले नेटवर्क यूज कर लिए हो, 12 होस्ट के लिए मान लो ये वाला नेटवर्क यूज कर लिए हो, तो 10 होस्ट के लिए ये वाला कर लो। मतलब ये वाला आपने एक यूज कर लिया 12 होस्ट के लिए, तो अभी आपके पास कितने नेटवर्क सब नेटवर्क बच रहे हैं 15, 15 में से कोई भी यूज कर लो। लास्ट हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है, लास्ट जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है 2 होस्ट की। मतलब तो अब हम 2 आईपी कैलकुलेट करेंगे, और कैसे कर सकते हो 2 आईपी कैलकुलेट, सेम फार्मूला अपनाएंगे।
दो की वैल्यू ऐसी करें मतलब कि 2 पे पावर n माइनस 2 ग्रेटर देन 2, मतलब कि 2 पे ऐसी कोई वैल्यू पुट करें जो 2 से माइनस करने पे या तो 2 से ज़्यादा हो जाए या कम ना हो, या पुट कर लो यहाँ पे, या फिर इक्वल हो जाए उससे। तो इक्वल यहाँ पे हो रहा है ना, 2 पे पावर 2 माइनस 2 कर रहे हो, तो n इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है, 2 ही। तो n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई यहाँ पे, 2। अब फिर क्या करोगे आप, अब होस्ट होस्ट बीट को क्या कर दोगे, ऑफ कर दोगे, दो होस्ट बीट को ऑफ कर दोगे यहाँ पे, कर लो यहाँ पे। हाँ ये दो बीट क्या कर दिया मैंने, ऑफ कर दिया ना ने होस्ट आईडी पोर्शन से। तो बाकी कितने बचे हैं, 6 बिट ऑन है। तो अब क्या कैलकुलेट करना है आपको, सबनेट मास्क बनेगा वो क्या बनेगा, तो सबनेट मास्क क्या बनेगा, 128, 64, 32, 16, 8 और 4, यही होगा ना। अब इसको प्लस करोगे तो अब 252 आएगा, और स्लैश वैल्यू 30 कहाँ से आई है, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, स्लैश 30 आ गई। अब ये तो बन गया हमारा सबनेट मार्क्स। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मतलब हमें ये फाइंड करना है कि इस नेटवर्क में नंबर ऑफ सब नेटवर्क कितने बनेंगे। तो 62 बनेंगे, क्यों बनेंगे, क्योंकि जो 62, हाँ 62 ही बनेंगे, यहाँ पे 6 रहेगा यार भाई शायद। सिक्सटी टू बनेंगे, 64, 64, अच्छा 64 आ रहा है, ओके 64 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें ये फाइंड करना है कि 64 नेटवर्क में कितने वैलिड होस्ट असाइन करने को मिलेंगे। तो हमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, दो ही होस्ट की ज़रूरत है ना हमें, तो 2 पे पावर h, मतलब कि ये जो होस्ट वाले पोर्शन है ये दो ही है ना, तो 2 पे पावर 2 माइनस 2 करोगे तो 2 निकल के आ जाएगी। अब हमें क्या फाइंड करना है, ब्लॉक साइज फाइंड करना है ना, तो ब्लॉक साइज फाइंड कैसे करते हैं, मैजिक नंबर से क्या करते हैं, सबनेट मास्क को माइनस कर देते हैं। तो 256 माइनस 252 करोगे तो 4 आएगा, तो इसमें से 2 ही यूज कर पाओगे ना, एक तो फर्स्ट आईपी एड्रेस, एक तो लास्ट आईपी एड्रेस, क्योंकि हम फर्स्ट नेटवर्क आईडी यूज़ नहीं करते, ब्रॉडकास्ट यूज़ नहीं करते, तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी, फुलफिल होगी। ये देखो हमने 10 तक निकाला है, इसके आगे और निकलेगा, 64 तक निकलेगा, सॉरी हाँ 64 सब नेटवर्क बनेंगे। तो इसके आगे मैं बहुत ज़्यादा लिखूंगा तो भर जाएगा ये, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। तो अब इसमें से कोई भी यूज कर लो आप, मिलेंगे आपको दो ही सबनेट, दो ही होस्ट असाइन करने को, ये यूज कर लो या फिर ये यूज कर लो या फिर ये यूज कर लो, कोई भी यूज कर लो आपको मिलेंगे दो ही, ठीक है।